नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर में दोस्तों यहां पर 40 लड़कों के साथ 33 लड़कियों को दोस्तों रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जो कि फर्राटेदार अंग्रेजी में करते थे बात। नोएडा के सेक्टर 90 स्थित भूटानी अल्पाथम में दबिश देकर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर दिया है। कॉल सेंटर से 73 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 33 महिलाएं। पुलिस के अनुसार गिरोह अमेरिकी नागरिकों से ठगी करता था और अब तक हजारों लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठ चुका है। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदेश कोठारिया ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रात छापा मारकर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। गिरफ्तार लोगों में से 61 युवक युवतियों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है, जबकि 12 मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इनकी पहचान दोस्तों कर ली गई है और यहां पर मुख्य आरोपी सौरभ और बंटी समेत 4 फरार भी चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फर्जी कॉल सेंटर में काम करने वाले अधिकांश जो युवक युवती हैं नागालैंड के रहने वाले हैं। ये लोग नोएडा और गाजियाबाद में किराए के मकान में रहते थे और ये सभी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना जानते हैं। अमेरिकी लोगों से अंग्रेजी में बात करके वे उन्हें झांसे में ले लेते थे और ठगी की वारदात भी करते थे। कॉल सेंटर के जरिए आरोपी फर्जी टेली कॉलिंग का इस्तेमाल कर अमेरिकी नागरिकों को कॉल करते थे। उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगा जाता था, उनसे गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ठगी की जाती थी। आरोपियों ने झांसे में लेने के लिए अमेरिकी मार्शल और अमेरिकी ट्रेजरी की फर्जी ईमेल आईडी भी बनाई हुई थी। जालसाज अवैध आपराधिक गतिविधियों में नाम आने की बात कहे उन्हें गिरफ्तार का जो डर है वो भी दिखाते थे। वहीं दोस्तों फर्जी कंपनी के नाम से एग्रीमेंट भी किया है। विदेशी गिरोह के शामिल होने की इसमें संभावना भी जताई जा रही है। सजा न मिलने से आरोपियों को दोस्तों लगातार इस प्रकार के जो हौसले हैं वो बढ़ रहे हैं और कंप्यूटर में पॉपअप वायरस को हटाने और मोबाइल बैंकिंग और पॉलिसी के नाम पर दोस्तों ठगी हो रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर गाड़ी से किसी व्यक्ति को टक्कर लगने के नाम पर नौकरी दोस्तों जो विदेशी ठगी है वो हो रही है। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। किस राज्य और कहां से वीडियो देख रहे हैं बताएं।